बंगाल को अगर हम बवाल का गढ़ कहकर पुकारे तो शायद गलत नहीं होगा। कभी रामनवमी जैसे त्यौहार पर यहाँ दंगा फसाद किया जाता है, तो कभी हाईकोर्ट की अनुमति पर नौकरी की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करने के दौरान अभ्यर्थियों पर राज्य पुलिस द्वारा हमले किए जाते हैं। और अब तो बंगाल के हालात इतने ज्यादा बिगड़ने लगे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को मजबूरन पेन डाउन करना पड़ रहा है। आज 12 घंटों के लिए डीए में वृद्धि करने के साथ कई अन्य मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने काम ना करने का फैसला लिया है, जिसका भुगतान आम लोगों को करना पड़ रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार अब भी चुप्पी साधे बैठी हुई है। बकाया डीए की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ किया जा रहा विरोध अब जोरों पर है। जी हां, आज भी डीए के सरकारी कर्मचारियों ने डीए में वृद्धि करने की मांग को लेकर आज जो है सभा करने का फैसला लिया है, जो कि शाम को सभा की जाएगी कॉलेज स्ट्रीट के सामने। और इसी के तहत किस तरह से सभा का आयोजन किया जाएगा और उनकी क्या है मांगे, इसके बारे में हम बात करेंगे अनिरुद्ध भट्टाचार्य से। अनिरुद्ध, आप पहले बताइएगा कि आज जो है सभा की जाएगी बहुत सारी मांगों को लेकर उसके विषय में। आज हमारा ये प्रोग्राम चलता है 70 डेज तक, अनशन हुआ 44 डेज तक। हम लोग सरकार के पास ये तीनों दावी है, डीए देना होगा एआईसीपी अकॉर्डिंग टू एआईसीपीआई एंड अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर, उसके साथ है स्वच्छता के साथ के नियोग कर जो 6 लाख पद जो अभी शून्य है उसमें नियोग होना चाहिए। और एक दावी है जो अनियमित कर्मचारी है उसको नियमितकरण करने होगा। यही दावी से हम लड़ते रहे इधर इधर, हमरा कर्म विरोधी किया, पेन डाउन स्ट्राइक किया। हमरा 10 मार्च में 3 दिन कर्म विरोधी हुआ, अनशन हुआ। अब मुख्यमंत्री ने मुझे बताया जे वो हम लोग चोर है, डाकू है, डाकात का सरदार है, ऐसा बताया हम उसको। लेकिन ये सब राज्यों के लिए बहुत खतरनाक है। मुख्यमंत्री जो खेल खेलता वो बहुत खतरनाक खेल है। हम ऐसा नहीं चाहता, हम काम करने चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री ने काम करने के हमारा जो इच्छा है वो इच्छा नहीं पूर्ण करता। वो चाहता जे कर्मचारी को जे डीए हमारा पास जे आने होगा, जो रुपया दे दिया केंद्रीय सरकार ने, डीए का रुपया केंद्रीय सरकार ने दे दिया, वो रुपया नहीं देता। हम लोग उसके पास हिसाब मांगा, केंद्रीय सरकार ने कितना डीए आपको नहीं दिया, लेकिन वो हिसाब नहीं दिया। हम लोग बोला आप श्वेत पत्र प्रकाश कीजिए, केंद्रीय सरकार कितना डीए नहीं दिया, वो नहीं कुछ बोलता। हम लोग बोला आप आइए इधर हमारा साथ इधर अवस्थान कीजिए, केंद्रीय सरकार के पास हम दोनों एक साथ लड़ेगा, लेकिन आप वो हिसाब जरूर आने पड़ेगा इधर आपको साथ, लेकिन ये सब नहीं हुआ। आज हाईकोर्ट में एक राय हुआ, हाईकोर्ट का प्रधान विचारपति, माननीय प्रधान विचारपति, उसने एक राय दिया राज्य सरकार के। आज हमारा एक कर्म विरोधी चलता है, मुख्यमंत्री जो हमारे चोर डाकू बोला उसका विरोध में हम आज कर्म विरोधी हम पालन करता। हाईकोर्ट में एक मामला हुआ, हाईकोर्ट से प्रधान विचारपति बोला, ऑर्डर दिया जे विदिन 17th अप्रैल का विदिन 17th अप्रैल चीफ सेक्रेटरी एंड फिनेंस सेक्रेटरी हैव ए टॉक विद अस संग्रामी ज्योति मंच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोग 10 और 11 अप्रैल को दिल्ली चलो मतलब जाने वाले, वहाँ पर उपराष्ट्रपति से बात करने वाले डीए में वृद्धि करने की मांग को लेकर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को साथ हम बात किएगा, केंद्रीय सरकार जो मुख्यमंत्री बोलता केंद्रीय सरकार डीए का रुपया नहीं देता, वो हम उधर पूछेगा ये कितना डीए बाकी है, कितना डीए केंद्रीय सरकार ने नहीं दिया। ये हिसाब पाने के बाद हम लोग मुख्यमंत्री को हिसाब हम लोग ही पेश करेगा। मुख्यमंत्री वो नहीं सुनेगा तो हम लगातार धर्मघट में हड़ताल में चला जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ अनुरुद्ध, जिन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने ये फैसला ले लिया है कि 17 अप्रैल को ये सरकारी कर्मचारी की राज्य सरकार के साथ बैठक होगी, जिसके तहत फैसला लिया जाएगा। और हम भी आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ इनके जो समस्या है उसका समाधान निकल कर आएगा। और आज की बात करें तो आपको बता दें कि कुल 70 दिन हो गए हैं धरना देते हुए और डीए में वृद्धि करने की मांग को लेकर, और 44 दिन से ये अनशन पर थे। फिलहाल अनशन खत्म कर दिया है इन्होंने, और साथ ही शाम को इन्होंने जिस तरह से बताया कि सभा की जाएगी 3 मांगों को लेकर, पहले ये चाहते हैं कि जो भी अस्थाई सरकारी कर्मचारी है उनकी नौकरी स्थाई हो जाए, और दूसरी मांग है इनकी कि डीए में वृद्धि हो, जितने की केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उतनी ही वृद्धि जो है राज्य सरकार द्वारा भी डीए में की जाए। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि 10 और 11 अप्रैल को ये जाएंगे दिल्ली और वहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बात करेंगे वृद्धि डीए में वृद्धि करने की मांग को लेकर। खैर, अब इसको लेकर क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है, इनकी समस्या क्या सुलझेगी, और हाईकोर्ट की ने जो घोषणा की है उस पर राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं पूनम कैमरा पर्सन ऋषिजीत के साथ बिग न्यूज़ कोलकाता।